टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 16 जबरदस्त तरीके से चर्चा में बना हुआ है। बिग बॉस को शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शो में नहीं आया। हाल ही में नमित तनेजा, कुसाग्र डुआ और रोहन गंटोत्रा के बिग बॉस 16 में एंट्री की खबर आई थी, हालांकि उनकी तरफ से भी अभी तक आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। तो वहीं अब बिग बॉस 16 के लिए विकास गुप्ता का भी नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि उन्हें मेकर्स ने अप्रोच किया है। बिग बॉस 16 को लेकर टीवी के गलियारों में खबर है कि मेकर्स वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर विकास गुप्ता को भेज सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वह एक मेहमान बनकर बिग बॉस 16 में एंट्री करेंगे। इसके साथ ही विकास गुप्ता कंटेस्टेंट को गेम को लेकर क्लासेस देंगे, साथ ही उनसे तरह तरह के टास्क भी करवाएंगे। हालांकि अभी तक विकास की ओर से इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा गया है। वैसे आपको बता दें कि विकास गुप्ता ने बिग बॉस के 13वें और 14वें सीजन में एंट्री की थी, जहां 13वें सीजन में विकास गुप्ता ने देवोलीना भट्टाचार्य की जगह बिग बॉस में कदम रखा, तो वहीं 14वें सीजन में वह वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए थे। लेकिन बिग बॉस 14 में अर्शी खान को पूल में धक्का देने के कारण विकास गुप्ता को रातों रात शो से बाहर कर दिया गया था। विकास गुप्ता के अलावा राखी सावंत का भी नाम बिग बॉस 16 को लेकर सामने आ रहा है। हालांकि राखी सावंत 3 दिनों बिग बॉस मराठी में दिखाई दे रही हैं, लेकिन मनु पंजाबी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, यार बिग बॉस इस बार इसे नहीं खेला जाएगा, फिर चुंगलियां करने को बुला रहे हो क्या सबको। वैसे इस स्टोरी पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और बिग बॉस 16 से जुड़ी अपडेट्स लगातार पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।